श्रीमद् भागवत कथा की महिमा। स्वयं भगवान प्रकट होकर के इस भागवत की महिमा को वर्णन करते हैं। कथा श्रवण करने मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है, भगवान भी प्रकट होते हैं। एक महिमा। दूसरी छोटी सी महिमा, समय तो ज्यादा है पर छोटी सी कथा। कहा महाराज, इस कथा को सुनकर के लोग मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। के विशुद्धयन्ति, कौन कौन होता है विशुद्ध? बोले सभी हो जाते हैं। चाहे कोई क्रोधी हो, कपटी हो, उग्र कर्म करने वाला हो, पापी हो, चाहे कोई मृत्यु के बाद प्रेत क्यों ना बन गया हो, वो भी मुक्त हो जाता है। जैसे तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम के नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, श्रेष्ठ ब्राह्मण था, शौद्धस्मार्थ कर्म में बड़ा निपुण था। पत्नी का नाम था धुंधुली, बड़ी दुष्ट थी, लेकिन फिर भी दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। समय आने पर एक कष्ट आ गया, न पुत्रो ना पिवा पुत्री सोत चिंता तो रोषम, न कोई पुत्र न कोई पुत्री, संतानहीन हुए चिंता हुई। आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, एक सरोवर के निकट बैठ करके आत्महत्या करने का विचार कर रहे हैं। एक सन्यासी महात्मा पहुंच गए। क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है? कहा महाराज, किंबर भी मैं अपने दुख का वर्णन आपसे क्या करूं, मेरे द्वारा दिया हुआ जल कवोष्णव भुंजते, मेरे पूर्वज बड़ी गर्म सांसों को लेकर ग्रहण करते हैं, मेरे कोई पुत्र नहीं है। शास्त्र कहता है पुत्र बिना का गति, पुत्र बिना कोई गति नहीं हो सकती। मेरे पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध पिंडदान कौन करेगा? दूसरी बात, कोई वृक्ष लगा दूं सूख जाता है, फल बाजार से खरीद लाऊं तो सड़ जाता है, कोई गाय पाल लो बंध्या हो जाती है, प्रभु हाथ में यश ही नहीं है। मृत्यु का सोच रहा था, आप आ गए हैं, उपाय बताइए। बोले क्यों पुत्र से मोह करते हो भैया? आत्मदेव, रे मुंचाजा कुटुंबाशाम सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में सुख है, छोड़ो पुत्र मोह को। आज तक संसार में किसी को पुत्र से सुख नहीं मिल सकता, ये तो उदाहरण पड़े हुए हैं। दशरथ जैसे राजा जिनके, राम लक्ष्मण जैसे पुत्र थे चार चार, लेकिन पुत्र सुख नहीं मिला। पुत्र वियोग में मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय चार में से एक भी पुत्र पास में नहीं था, क्या पुत्र सुख? छोड़ो, तेरे भाग्य में लिखा है सात जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा तेरे। उसने चरण पकड़ लिए, बोले मुझे भाग्य की बात नहीं पता, आप कृपा नहीं करोगे तो यहीं मर जाऊंगा आपके चरणों में सिर पटक के। बहुत बड़ा मोह था तो एक झोली से फल निकाला, बोले पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा। फल लेकर के गया, पत्नी को सारी बातें बताई। पत्नी ने फल खाया कि नहीं खाया ये देखा भी नहीं, आत्मदेव चला गया। पत्नी ने सोचा खाऊं कि नहीं खाऊं, फल खाऊंगी तो बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। फल भक्षेण स्याद गर्भ है गर्भेण उदर वृद्धिता, फल खाऊंगी तो गर्भ हो जाएगा, गर्भ होगा तो कितनी समस्याएं, घर से बाहर जा नहीं सकती, अपनी इच्छा से कुछ खा नहीं सकती, गांव में घर में आग लग गई तो भाग नहीं पाऊंगी, जन्म लेते समय टेढ़ा हो गया तो मर भी सकती हूं, और कहीं सुखदेव जैसा हो गया 12 साल तक गर्भ में अटक गया तो क्या करूंगा, फल वल नहीं खाऊंगा। उसकी बहन आ गई, अपनी बहन से सारी गाथा उसने सुना दी। उसकी बहन ने कहा तू मेरा पुत्र ले लेना, मुझे धन दे देना, तब तक छुप के रहो, किसी से मिलना जुलना बंद कर दो, किसी को मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, फल का क्या करें? बोले गाय को खिला दो। फल खिला दिया गया गाय को। समय आने पे बहन के पुत्र हुआ, चुपचाप धुंधुली को दे दिया। धुंधुली ने कहा मेरा पुत्र है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, इतने वर्षों के बाद पुत्र हुआ। ब्राह्मण बुलाए, जात कर्म दान वान किया, संस्कार कराया। बोले महाराज नाम रख दो कोई बढ़िया सा इसका। पत्नी ने कहा ब्राह्मण क्यों रखेंगे नाम, मेरा पुत्र है मैं रखूंगी। ठीक है तुम ही रख लो। उसने खोजा ओजा, सर्च किया नेट पे क्या नाम रखें, खोजते खोजते आखिर धुंधकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठिता, बड़ा सुंदर नाम ढूंढा उसने, धुंधकारी अपने पुत्र का नाम रख दिया। 3 महीने बाद गाय के गर्भ से एक सुंदर मनुष्य के बालक का जन्म हुआ। आश्चर्यजनक घटना हो गई, गाय के गर्भ से मनुष्य के बालक का जन्म हो गया। संसार में ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं, क्यों होती हैं? जो भगवान के अस्तित्व को न माने उसको अपना प्रभाव दिखाने के लिए ऐसी घटना प्रभु कर देते हैं। बड़ा सुंदर बालक था, आत्मदेव ने गोद में उठाया, बोले गोकर्ण, इसका नाम गोकर्ण होगा, सुंदर कान है गाय के समान बड़े बड़े, गोकर्ण नाम। दोनों बालक चंद्रमा की कला के सदृश धीरे धीरे बड़े होने लगे। गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला।
धुंधकारी तो बड़े पंडित ज्ञानी हो गए वो कर्ण जी, वो धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला, बहुत दुष्ट था, आचरण पतित हो गया, शौच स्नान जहीन हो गया, दुष्ट आचरण करने लगा, चंडालों के साथ बैठता, मांस मदिरा का भक्षण करता, बहुत परेशान हो गया। आत्मदेव ने गोकर्ण से कहा, पुत्र मैं संसार को छोड़ के जाना चाहता हूँ। बोले पिताजी बहुत अच्छी बात कही, लेकिन बहुत दिन में कही आपने, मैं तो इसी की वेट ही कर रहा था कि कभी आपके मन में ज्ञान तो निर्वेद तो आए। असार है खलु संसार दुख रूपी विमोह का, ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है संसार में, इसीलिए नाम संसार। जानते संसार नाम क्यों? संसार का मतलब होता संसरत, जो सरक जाए उसको संसार कहते हैं। जैसे सूखी रेत होती ना, उसको मुट्ठी में बंद करके जोर से मुट्ठी बंद करे रही है, अब पता भी नहीं चलेगा कि कब उस रेत का एक एक कण आपके मुट्ठी से फिसल गया, आप नहीं जान पाओगे, यही संसार है। संसार की कोई भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को आप जोर से पकड़ना चाहें लेकिन वो छूटेगी, यही संसार है। चाहे धन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, किसी भी वस्तु को आप पकड़ना चाहिए वो छूट जाएगी। तो पिताजी संसार को छोड़िए, इस संसार में जिसने भी मोह किया पुत्र या धन से उसको तो दुख मिलेगा ही, इसलिए छोड़ के जाइए। देहोस्ति मां हृदय भिमितित्वजत्वम् जाया सुताद्य सदा ममता विमुञ्च पश्यन् निशम जगदिदं क्षणभंग निष्ठम् वैराग्यरास रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी ये शरीर पत्नी पुत्र की ममता आसक्ति को सब छोड़ दीजिए, वैराग्य को धारण करिए, भगवान की कथा सुनिए, उन्हीं के गुणों का गुणगान करिए, भक्ति में निष्ठा लाइए, इसी में आपका कल्याण है। पिताजी ने घर छोड़ दिया, एकांत स्थान में जाकर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का पारायण करते हुए 60 वर्ष की अवस्था में मुक्ति पा ली। माता जी बची घर में, धुंधकारी ने अपनी माँ से कहा धन दो, माता ने दिया जितना धन था, सब धन समाप्त, सब जुए में हार के आ गया, जुआ खेलने की आदत लग गई, बड़ी खराब आदत होती, सब घर का धन हार के आ गया, और धन दो, धन कहां से मिले, तो घर का सामान बेचना शुरू किया, एक दिन टीवी उठा के ले गया तो बेचा है, जुआ खेल के हार के चला आया, एक दिन सोफा सेट उठा ले गया तो उसको बेच के आ गया, घर का कोई सामान नहीं बचा, सब बेच बांच के फुर्सत, अब कुछ नहीं बचा। फिर माता से कहता है मुझे धन दो, माँ ने कहा अब नहीं है, माँ को बहुत पीटा, लातों से मारा अपनी माँ को, इतनी दुखी हो गई कि कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली धुंधली ने। माता पिता दोनों चले गए। अब गोकर्ण जी ने सोचा बड़ा दुष्ट है मुझे भी मारेगा, तो दुष्ट संग जनी दे भिलाता, दुष्टों को दूर हटाने की कोशिश मत करिए, दुष्टों से खुद दूर हट जाइए, दुष्टों को आप हटा नहीं पाओगे, दुष्टों को अपने सराउंडिंग से हटाना बहुत कठिन होता है, तो कोशिश करिए कि हम ही इनसे दूर चले जाएं तो अच्छा है। गोकर्ण सोचा मैं ही जलाया तुम, घर छोड़ दिया, तीर्थ यात्रा करने चले गए, धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, पंच पर्ण वधूप्रता, पांच वेश्याओं को घर में लाकर रख लिया, पांच विषय जानते ना, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, आंख नाक कान मुख और त्वचा, ये पांच विषय हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके विषय ही जीव को आसक्त कर देते हैं, इन्हीं की पूर्ति में लगा हुआ है, चोरी वोरी करने लगा, बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, पांचों ने सोचा कि अच्छा धन हो गया अब हम इसको मार के धन चोरी कर लें, तो उन पांचों ने धुंधकारी को बांध कर बहुत मारा, जब नहीं मरा तो जलते हुए अंगार उसके मुंह में ले जाकर के छोड़ दिए, मृत्यु हो गई उसकी। लेकिन मृत्यु के बाद का परिणाम महान प्रेत बभुआ था, बहुत बड़ा प्रेत बन गया, मुक्ति कैसे हो गई? गोकर्ण को पता चला, गया में पिंडदान किया, घर वापस आए, एक दिन रात्रि के समय घर में विश्राम कर रहे हैं, आ गया सामने, अलग अलग रूप से उनके सामने प्रकट होता है, शकन में शय शगत धसी जगत पुरुषो भवत, कभी भेड़ बनता है, कभी हाथी, कभी पुरुष, समझ गए, हाथ में जल लिया, मंत्र बोला, चीटा डाला, कौन हो तुम? हम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी के नाम, आपका भाई हूं धुंधकारी, अपने किए हुए कर्मों से ये दोष उत्पन्न हो गया, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, मुक्ति का उपाय करिए। गोकर्ण ने कहा मैंने तो तेरे लिए गया जी में श्राद्ध पिंडदान कर दिया है, मुक्ति नहीं मिली तुझे?
कहा भैया कितनी बार किया? गोकर्ण जी ने कहा कितनी बार किया? शास्त्रों में एक बार का ही विधान है, किसी भी जीव के लिए एक बार ही गया में जाकर श्राद्ध पिंडदान करने का विधान लिखा है, दूसरी बार नहीं। मैंने भी एक बार कर दिया। बोले एक बार से क्या होगा महाराज, इतना छोटा मोटा पापी नहीं हूं, स्पेशल वाला पापी हूं, उपाय भी स्पेशल होना चाहिए। गया वया में मुक्ति नहीं होने वाली, गया शास्त्रते नापिर मुक्तिर बिना भविष्य। 100 बार भी मेरे लिए गया जी चले जाइए, मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई और उपाय सोचो। कहा ठीक है, सुबह बताएंगे। सुबह ब्राह्मणों की मीटिंग बुलाई, सबसे पूछा भैया उपाय बताओ, गया में जिसकी मुक्ति ना हो उसकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों के पास कोई उपाय नहीं है, मंत्रों के प्रभाव से सूर्य की गति को रोक करके पूछा गोकर्ण जी ने, गया में जिसकी मुक्ति ना हो प्रभु उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। स्पष्ट शब्दों में भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवत की सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा करो, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, कथा का आयोजन हुआ, गोकर्ण जी ने सब तैयारियां कर ली, बढ़िया व्यासपीठ बना ली, सबको निमंत्रण दिया, देवताओं का आवाहन करके सारी पीठों में 33 कोटि देवताओं को वास दिया, मंत्रों के द्वारा उनका आवाहन करके बिठाया गया, महाराज बैठिए, जैसे आप लोगों ने मंदिर में किया ना आवाहन पीठे बना करके। देवता भी विघ्न डालते हैं कार्य में, इसलिए पहले दिन उनको कह दिया जाता है बुला करके, महाराज यहीं बैठना शांति से, हमको भी सुनने देना, तुम भी सुनना कथा। पहले दिन उनको चुपचाप करा के पीठों पर बिठा दिया जाता है, देवताओं को बुला के बिठा दिया गया, पूजन सत्कार सब कर दिया गया, धुंधकारी को बुलाया गया मंत्रों से, तो जब देवता आ जाते हैं तो प्रेत क्यों नहीं आएगा? उसको भी संकल्प से बुलाया गया, धुंधकारी तुम भी आओ, वो भी आ गया। लेकिन धुंधकारी के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं बनाया गया था, देवताओं के लिए तो बनाया है, धुंधकारी के लिए कोई स्थान नहीं। आप लोग तो बना देते हो पर उस समय कोई स्थान नहीं था, तो कहां बैठे हो? एक बार हम कहीं कथा करने गए थे तो सार्वजनिक कथा थी, कई लोग मिलकर कथा करा रहे थे, उस कथा में धुंधकारी के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था। तो किसी सज्जन ने आके प्रश्न पूछ दिया, महाराज जी धुंधकारी के लिए तो कोई स्थान नहीं दिया आपने, वो बांस कहाँ है 7 गांठों वाला? तो हमने कहा धुंधकारी के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं कि बांस में ही बैठेगा, वो तुम्हारे इस जो पंडाल का जो पाइप है ना उसमें जाके बैठ जाएगा, कैमरामैन का जो कैमरा का स्टैंड है उसमें भी धुंधकारी बैठ सकते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं, जहां जगह मिल जाए वो बैठ जाएगा। देखिए उसके लिए बांस कोई निर्धारित नहीं है, तो वहां भी 7 गांठों का एक बांस गड़ा हुआ था, खोखला बांस, उस बांस की पहली गांठ में बैठ गया, वात्यारूप वायु का रूप था, बैठ गया उसमें। पहले दिन की कथा सुनी, पहले दिन की कथा में शाम के समय जब कथा विश्राम हुआ तो बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, क्रमशः एक एक गांठ फटती गई, 7वें दिन 7वीं गांठ के फटते ही दिव्य रूप धारण किए धुंधकारी प्रकट हो गए, गले में तुलसी का माला है, पीताम्बर किरीट मुकुट कुंडल पहने, गोकर्ण को प्रणाम किया, भैया ये भागवत की कथा धन्य है, प्रेत पीड़ा से भी मुक्त कर दिया इसने। भगवान का विमान आ गया, बैठ गए विमान पे धुंधकारी, पार्षदों को रोका गोकर्ण जी ने, ये कैसा भेदभाव, इतने लोगों ने कथा सुनी, विमान केवल एक आया, बाकियों का क्या होगा, ऐसा भेदभाव क्यों? गोकर्ण की बात सुनकर के भगवान के पार्षदों ने कहा यह भगवान का भेद नहीं है, श्रवणस्य विभेदेने फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवणम तु कृतम सर्वे ना तथा मननम कृतम, सुनने सुनने का भेद है, जिसने जैसा सुना उसको वैसा फल मिला। कथा सुनना 3 चरणों में पूरा होता है, श्रवण मनन और निधिध्यासन, श्रवण करना, फिर सुनी हुई कथा का एकांत में बैठकर मनन करना, मनन करने के बाद उसमें से कुछ बातें अपने जीवन के आचरण में लाना, तब कथा का फल मिलेगा। तो सुना तो सबने, मनन किसी ने किया नहीं इसलिए विमान नहीं आया, दूसरी बार फिर कथा का आयोजन करना। ठीक, चले गए सावन के महीने में, दूसरी बार कथा सुनाई गोकर्ण जी ने, सबने सुना, मनन किया, सबको लेने के लिए विमान आया। जैसे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ बैठ के साकेत चले गए थे, ऐसे पूरे नगरवासी गोकर्ण जी के साथ बैठ करके बैकुंठ चले गए। भागवत की महिमा है सबको मोक्ष देने वाली, 5 अध्यायों में महिमा सुनाई, 1 अध्याय में कथा की विधि है, कोई विशेष विधि नहीं है, विधि बस इतनी है कि जब कथा का संकल्प हो तो एक तिथि निश्चित कर ली जाए, इस तिथि से कथा होगी, तिथि का निश्चय होने के बाद सब जगह निमंत्रण दीजिए,
अपने रिश्तेदार भाई बंधु परिचित लोगों को कि 7 दिन की कथा का आयोजन है, आप भी उपस्थित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। फिर कथा की प्रारंभिक तैयारियां बढ़िया मंडप बना के तैयार कर लीजिए, संतों के बैठने की व्यवस्था बढ़िया कर लीजिए, ब्राह्मणों के बैठने की उचित व्यवस्था कर लीजिए, स्त्री पुरुषों के बैठने की व्यवस्था हो जाए। उसके बाद 7 दिन तक नियम पूर्वक कथा सुने, व्रत रहें 7 दिन तक, बाल इत्यादि न कटवाएं बनवाएं, नाखून न काटें, पत्तल में भोजन करें, जमीन में सोएं, ब्रह्मचर्य व्रत इत्यादि का पालन करते हुए 7 दिन निष्ठापूर्वक कथा सुने। थोड़ा कठिन नियम है, इनको थोड़ा भी सरल कर देते हैं। सबसे कठिन है कि व्रत रहना, तो 7 दिन तक व्रत रह सकते हो तो रहिए, नहीं रह सकते हो तो कोई बात नहीं, एक आहार है, एक आहार लेके कथा सुनिए। केवल दिन भर में एक आहार निश्चित कर लीजिए कि एक गिलास दूध पियेंगे और कथा सुनेंगे, एक सेब खाएंगे और कथा सुनेंगे, एक बार एक ही वस्तु को खा करके कथा सुनना एक आहार नियम कहलाता है। अभी चिंता की बात नहीं है, और आगे भी कथा सुना रहे हैं। एक आहार नहीं कर सकते तो फलाहारेण वा पुनः फलाहार करके थोड़ा थोड़ा फलाहार सुबह शाम करें, कथा सुने। ये भी कठिन लगता है तो एक टाइम फलाहार करें एक टाइम भोजन करें, ये भी कठिन लगता है तो फिर दोनों टाइम भोजन करिए, दोनों टाइम भी नहीं चारों टाइम खाइए, सुबह भी नाश्ता करिए, दोपहर को भोजन करिए, शाम को फिर नाश्ता करिए, रात को फिर भोजन करिए, चारों टाइम खाइए पर कथा सुनिए। जैसा नियम अपने को अनुकूल बन जाए वैसा नियम, ज्यादा मत खाइएगा दोपहर के टाइम पे क्योंकि फिर नींद आने लगेगी, इसलिए दोपहर को कम खाइएगा, रात को पेट भर खाइएगा, जैसा भी नियम बन जाए 7 दिन तक अपने अनुकूल नियम बना करके इस कथा के प्रसंग को यहाँ पर बैठ करके सुनेंगे। अब आज पहला दिन है, केवल महिमा सुनेंगे क्योंकि विलंब भी हो गया तैयारियों में। आज आवाज की कथा को केवल महात्म्य की कथा सुन करके विश्राम दें, कल से समय पर उपस्थित होकर के प्रथम स्कंद से अपनी कथा के प्रसंग को विश्राम देंगे। आइए आज की कथा भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए कथा प्रसंग को विश्राम देंगे।